हाय गाइस, आइए देखते हैं कि आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी। तो मैंने दो पाइल रखे हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। देखते हैं इसमें आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं और आपके पर्सन किस प्रकार के होंगे, ठीक है? उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो पाइल नंबर 1, आशा है आपने अभी तक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 को। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1 के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपके पार्टनर किंग ऑफ कप्स टाइप्स होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा लवी डवी कंडीशन में चलने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको। ये व्यक्ति बहुत रिच हो सकते हैं, एक किंग के टाइप्स के, क्योंकि और इनकी फैमिली भी बहुत रिच हो सकती है, या फिर या तो बिजनेस वाली फैमिली हो सकती है, या फिर जिनके यहाँ किसान की फैमिली भी हो सकती है। बट वो पेंटिकल्स उनके यहाँ बहुत अच्छे कंडीशन में होगी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी उनके यहाँ, और वो बहुत अच्छे इंसान होंगे। पाइल 1। पाइल 2 देखते हैं क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो पाइल 2, आपके पार्टनर बहुत ही यंग होंगे और साथ ही साथ वो थोड़े से गोस्टिक होंगे, गुस्सा उनमें कूट कूट कर भरा होगा, लेकिन बहुत वाइज पर्सन होंगे, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे मतलब इंसान अच्छे होंगे, बट उनको थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाता होगा। और ये जो है मून, वो अपनी बातें किसी से बता नहीं पाएंगे, मतलब वो उनको बातें छुपाने की आदत होगी, उनके लाइफ में बहुत कुछ छुपा हो सकता है, उनको बातें छुपाने की आदत हो सकती है, और वो अपने इमोशंस आसानी से किसी से शेयर नहीं कर पाते होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि इसके ये कार्ड यही बताता हो कि बातें छुपाने की आदत हो सकती है, सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ किसी किसी के पार्टनर बातें छुपाते होंगे, और किन्हीं किन्हीं के पार्टनर मतलब ये शो नहीं कर पाते होंगे कि वो आपसे कितना लव करते हैं। वो उनके मतलब उनको ये लगता होगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं मुंह से बोल के ही बताऊं सामने वाले को कि मैं आपको इतना चाहता हूँ, वो करके बताएंगे, ठीक है? तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं, बहुत चुस्त दुरुस्त। थैंक यू।